एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पर फिर आपको सिंघू बॉर्डर लिए चलते हैं, जहां पर स्थानीय नागरिक और किसान आमने सामने है। पुलिस बीच बचाव की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, स्थिति यहां गंभीर होती जा रही है और किसानों का विरोध किया जा रहा है स्थानीय नागरिकों के द्वारा। उनका यही कहना है कि आंदोलन खत्म कीजिए। ये तस्वीरें देखिए आप, कैसे टेंट को उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। आपस में धक्का मुक्की भी हुई है, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है वहां पर। बीच बचाव करने की कोशिश भी की जा रही है किसान नेताओं और स्थानीय नेताओं के द्वारा। समझाया भी जा रहा है अपने अपने गुटों को। जैनेन्द्र वहां पर बने हुए हैं। जैनेन्द्र, क्या अपडेट इस समय का? बिल्कुल चोपड़ा, अपडेट ये है कि यहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हो गई है, पत्थर शुरू हो गया है। किसान स्थानीय जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी तरफ पत्थर उछाल रहे हैं और स्थानीय लोग यहाँ पर किसानों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के टेंट की तरफ पथराव कर रहे हैं। स्थिति बहुत तनावपूर्ण है यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर, और पुलिस जो तब से मुख्य दर्शन करेंगे, स्थानीय लोग यहाँ तक पहुँच गए, प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, आज पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है संभालना। स्थिति यहाँ पर लगातार गंभीर होती जा रही है और मेरी आंखों के सामने दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर चला रहे हैं, लाठियां फेंक रहे हैं और यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच में जबरदस्त तनाव है। पुलिस संभालने की कोशिश कर रही है लेकिन उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि रोकना किसे है, क्योंकि दोनों पक्ष जो है वो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और पत्थर चला रहे हैं। पुलिस खुद को भी बचाने की कोशिश कर रही है और संभालने की कोशिश कर रही है दोनों पक्षों की तरफ, और स्थिति यहाँ पर बिगड़ रही है। सोमना पुलिस ने लाठी चलाई। किसान नेताओं की बात करूँ तो यहाँ पर कौन बड़े किसान नेता इस समय मौजूद है? उसके लिए कोई किसान नेता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। आंसू गैस के गोले चल रहे हैं शोभना, आंसू गैस के गोले चला रही है पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। पत्थरबाजी तो पहले ही यहाँ पर दोनों पक्षों की तरफ से हो रही है। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और आंसू गैस के गोले चला रही है और लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों के बाद जो है वो स्थिति थोड़ी शांत जरूर हुई है। वो स्थिति शांत होने के बाद स्थिति थोड़ी किसान में जरूर आई है। कई आंसू गैस के गोले यहाँ पर चला चुकी है पुलिस और लगातार बल प्रयोग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो है वो स्थानीय लोग और किसान एक दूसरे पर पत्थर भी चला रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं चौपना पुलिस का जो रवैया है वो भी पक्षपातपूर्ण नजर आता है। पुलिस की तरफ से स्थानीय लोग जो है वो किसानों की तरफ पत्थर चला रहे हैं। पुलिस उन लोगों को कुछ नहीं कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस जो है पत्थरबाजी जरूर कर रही है, की कोशिश जरूर कर रही है। बाकी घायल हो रहे हैं और हम देख रहे हैं प्रदर्शनकारी किसान को लोग पीट रहे हैं। पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस और स्थानीय लोग भी गिर रहे हैं। एक किसान को पकड़ लिया प्रदर्शनकारियों ने और उसका बातचीत की जा रही है। पुलिस उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस को खुद समझ में नहीं आ रहा शायद किस स्थिति से निपटना कैसे है। शायद अगर स्थानीय प्रदर्शनकारियों को पहले ही रोक दिया जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो मैं आपको बताऊं कि पुलिस ने नया बैरिकेड लगाया है, मीडिया की बातें ही आने दी जा रही है, पानी के टैंकर नहीं आने दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्थानीय प्रदर्शनकारियों को आने दिया जा रहा है, पैसे दिया जा रहा है और हमारे सहयोगी जैनेन्द्र हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस बल ने अभी तक इन स्थानीय नागरिकों को नहीं रोका, पानी के टैंकर्स को रोका गया, लेकिन अब पुलिस के लिए भी मुसीबत बनते दिखाई दे रहे हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि भीड़ जो है वो कंट्रोल में आ सके और जो काफी यहाँ पर आंसू गैस के गोले चल रहे हैं और आवाज भी हमें भी बोलने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पर लगभग 15-20 मिनट के तांडव के बाद स्थिति को कुछ हद तक नियंत्रण में जरूर किया गया है। स्थानीय लोग जो अंदर घुस आए थे वो बाहर में है और एक किसान जो है वो घायल नजर आ रहा है और घायल भी है, घायल भी है। लाने के आया था सर, कहाँ ले जा रहे इसको? क्या नाम है इसका? क्या नाम है आपका? और बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति जिसे पुलिस लेकर जा रही है इसने हमला किया स्थानीय लोगों पर, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने हमला किया। पुलिस ने इसको बचाया है और वो खराब लग रही है। यहाँ पर पुलिस के
हमला किया, इसके बाद हथियार भी थे, तलवार आदि से संभवतः इसने जो है वो हमला किया स्थानीय प्रदर्शनकारियों पर, और इसके बाद ये चपेट में आ गया, स्थानीय प्रदर्शनकारियों के चपेट में आ गया, और इसको देख सकते हैं इसको हमला किया जा रहा है। जैनेन्द्र आप अपना भी ध्यान रखिए, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बता दें, सिंघू बॉर्डर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्थानीय नागरिक और किसान आमने सामने हैं, आपस में एक दूसरे के साथ उलझते हुए नजर आ रहे हैं, धक्का मुक्की का माहौल बना हुआ है, पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं, स्थिति बहुत विकट बनी हुई है। और जिस तरीके से स्थानीय नागरिक विरोध कर रहे हैं किसानों के आंदोलन का, उसको देखते हुए पुलिस को अब ये जो स्थिति है उसको संभालना मुश्किल हो रहा है। जैनेन्द्र वहां पर क्या लाठीचार्ज जैसी स्थिति बनते हुए आप देख रहे हैं, क्या पुलिस वाले लाठी भी चला रहे हैं? बिल्कुल शोभना, यहाँ पर आंसू गैस के गोले चलाए हैं पुलिस ने, लाठीचार्ज किया है, और इसके बाद स्थिति जो है वो उसमें थोड़ा सा सुधार आया है, लेकिन इन सबके बीच एक प्रदर्शनकारी किसान जो है वो बहुत बुरी तरह घायल हुआ है। उसके बारे में बताया जा रहा है कि जब ये लोग प्रदर्शन करते हुए किसानों के कैंप के पास पहुंचे थे तो उसने हमला किया था स्थानीय लोगों पर, और इसके बाद हालांकि वो स्थानियों के चपेट में आ गया, उसे लोगों ने खींच लिया और उसके साथ बुरी तरह मारपीट की, और पुलिस ने उसे बचाया, पुलिस उसको बचा कर ले जा रही है। हालांकि पुलिस का रवैया भी कई खड़े करता है, उस घायल व्यक्ति पर भी पुलिस लाठियां चलाते हुए मैंने देखा है। फिलहाल वो जो घायल व्यक्ति है उसको स्थानीय लोगों से बचाते हुए पुलिस जो है उसने उसको अपने 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 घेरे में लिया है। उसकी स्थिति बहुत खराब नजर आ रही है, वो अचेत नजर आ रहा है, और पुलिस जो है बहुत आ गया है, उसकी गाड़ी से उसे संभवतः अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रही है, जिसकी आइडेंटिटी अभी फिलहाल हमें पता नहीं है, लेकिन उसकी उम्र जो है वो 40 से 50 के बीच नजर आ रही है, और पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। हम देख रहे हैं कि एक रैंक के अधिकारी है, उनके हाथों में खून बह रहा है, वो जो हंगामा हुआ है, जो पार्टी हुई है, घायल हुए हैं, और स्थानीय लोग भी घायल हुए हैं। बड़ी हैरानी है कि इतनी बड़ी संख्या में ये स्थानीय लोगों का जत्था किसान आंदोलन जहां पर कर रहे हैं वहां तक पहुंच गया, उनको रोका नहीं गया, और अब ये दुख देने वाली, जिसे कहा जाए कि चिंताजनक तस्वीरें आमने सामने, किसान और ये स्थानीय नागरिक है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, पुलिस को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बिल्कुल शोभना, बिल्कुल शोभना, पुलिस ने जैसे तैसे हालात को काबू में लिया है, लेकिन इन सब में एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हुआ है। हालांकि अभी भी जो वो घायल अवस्था में भी जो उसका रवैया है उसके कारण उसको और चोट पहुंचाई जा रही है, पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी वो काबू में नहीं आ रहा और उस पर लगातार पुलिस प्रयोग कर रही है। हालांकि उसकी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, उसको पुलिस अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बार बार जो है वो पुलिस वालों पर आक्रामक तरीके से फिर रहा है। हालांकि पुलिस ने उसको गाड़ी में बिठा लिया है और उसको अस्पताल ले जाया जाएगा। जब वो लेटा हुआ था तो उसकी स्थिति ऐसी लग रही थी जैसे वो अचेत हो, लेकिन फिलहाल ये दिख रहा है कि वो जो है वो अभी भी पुलिस से भिड़ने की कोशिश कर रहा है, किसानों की तरफ से वो प्रदर्शन कर रहा था। जब स्थानीय लोग पहुंचे प्रोटेस्ट करने के लिए तो बताया जा रहा है उसने हमला किया, और इसके बाद जब उसने हमला किया तो स्थानीय लोगों ने उसको अपनी तरफ खींच लिया, उसने उसके साथ बुरी तरह पिटाई की, फिर पुलिस ने भी उसको पीटा, और इसके बाद पुलिस उसको गाड़ी में ले जाने की कोशिश कर रही थी अस्पताल को। जो घायल व्यक्ति था प्रदर्शनकारी के साथ, उसने पुलिस पर एक बार आक्रामक तरीके से पुलिस की तरफ बढ़ने की कोशिश की, उसको काबू में किया गया और अभी उसको गाड़ी में बिठा करके अस्पताल ले जा रहे हैं। जी शोभना, जैनेन्द्र आपको अच्छी तरह याद होगा कि कल रात में भी जब एक नेता स्थानीय नागरिकों के साथ किसानों के खेमे में पहुंच गया था, तो उसके बाद राकेश टिकैत ने लगातार इस पर जिसे कहा जाए माइक से उल्टी सीधी बातें भी की थी, और ये कहा था कि किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, और अब एक बार फिर स्थानीय नागरिक अगर किसानों के आंदोलन की जगह तक पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर गंभीर पैदा होते हैं। हुई थी वो तो एक व्यक्ति पहुंचा था जिसकी आइडेंटिटी जो है वो भीड़ भाड़ में जो है वो पता नहीं कर सकती थी पुलिस, लेकिन जिस तरह से आज ये उपद्रव हुआ है, बड़ी संख्या में तकरीबन हम कह सकते हैं कि 200 से 300 से ज्यादा लोग जो है वो समूह बना करके नारेबाजी करते हुए बैरिकेड पहुंचे, जहां
पर कि प्रदर्शन चल रहा है किसानों का दो महीने से, और वहां तक पुलिस ने आने दिया, प्रदर्शनकारियों को नहीं रोका, जबकि केजरीवाल सरकार के मंत्री इंद्र जैन आए थे वाटर टैंकर लेकर के, पुलिस ने उनको रोक दिया, वाटर टैंकर को रोक दिया, लेकिन जो प्रदर्शनकारी पहुंचे थे उनको पुलिस ने नहीं रोका। एक फायर पुलिस ने हमारे साथ है। सर, कैसी आपकी तबीयत, कैसी है? ये चोट लगी मैं देख सकता हूँ कि एक हाथ पूरा जो है वो फट गया, पत्थर पत्थर लगा। सर, आपको तलवार मारने तलवार जो 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 तलवार मारी उसी ने आपको तलवार मारी। क्या नाम है सर आपका? मेरा प्रदीप पालीवाल। प्रदीप पालीवाल इंस्पेक्टर है, उनके हाथ में तलवार, अलीपुर SHO अलीपुर है, उनके हाथ में तलवार मारी गई है, SHO ने बताया, और उनके हाथ से लगातार हम देख रहे हैं कि खून बह रहा है। तो नुकसान सबका सब तरफ से हो रहा है, पुलिस घायल हुई है, स्थानीय लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको भी पत्थरबाजी में चोट लगी है, लेकिन चूंकि वो यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, जिम्मेदारी कहीं ना कहीं स्थानीय लोग जो प्रदर्शन करने पहुंचे उनकी बनती है, पुलिस की बनती है कि ये सब कुछ होने क्यों दिया। और जाहिर सी बात है जो किसानों की तरफ से पत्थरबाजी हुई उसमें सामने से चोट पहुंची, और दूसरी तरफ से जो पत्थरबाजी हुई स्थानीय लोगों की तरफ से किसानों के कैंप में उनको भी चोट पहुंची होगी निश्चित तौर पर। फिलहाल यहाँ पर शोपला में अपडेट दे दूं कि स्थिति जो है वो 15-20 मिनट के तांडव के बाद, और एक कह सकते हैं कि एक झड़प के बाद जो है वो स्थिति फिलहाल अब शांति यहाँ पर वापस आती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस 15-20 मिनट में बिल्कुल यहाँ पर सब कुछ हिला कर रख दिया। अचानक सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग पहुंच गए, जो किसानों के टेंट पर हमला करने की उन्होंने कोशिश की, टेंट को तोड़फोड़ करने की कोशिश की, इसके बाद प्रदर्शनकारी किसानों की तरफ से पलटवार हुआ और दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए। जो प्रदर्शनकारियों को पैसे दे रही थी प्रदर्शन करने के लिए बहुत थोड़ी देर के लिए, वो भी हतप्रभ रह गए कि अब इसी को कैसे काबू करना है। जमकर पत्थरबाजी हुई है। अब मैं वापस उस जगह पर लौटा हूँ जहाँ पर कि यह पत्थरबाजी हुई, और जगह जगह पत्थर हम मुझे बिछे हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर तलवार भी चलाई गई किसानों की तरफ से, ये बताया जा रहा है। स्थिति यहाँ पर वापस जो है वो शांति जरूर यहाँ पर काबू में जरूर आई है स्थिति, लेकिन जो स्थिति पिछले 15-20 मिनट में थी कई सवाल खड़े कर रही है। और फिलहाल पुलिस जो है वो चाहे एक तरफ स्थानीय लोगों को पुलिस ने लाठीचार्ज करके भगाया है, वहीं आंसू गैस के गोले छोड़कर जो आक्रोशित किसान थे उनको भी शांत करवाने की कोशिश की गई है। और फिलहाल जहाँ एक तरफ प्रदर्शनकारी किसान वापस अपने कैंप में चले गए हैं, टेंट में चले गए हैं, वहीं स्थानीय लोगों को भी भगा दिया गया है। पुलिस की जो संख्या है वो पहले ही यहाँ पर काफी ज्यादा थी, पुलिस ने जब रोकने की चाह इच्छा उनकी जगी है तो जाहिर सी बात है उन्होंने रोका है, लेकिन सवाल यह है कि पहले होने दिया और फिर क्यों रोका। और इन सबको काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी चलने पड़े पुलिस को, और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर युद्ध का मैदान बन गया था। शोभना, कोई भी घटना हो सकती थी, हालांकि अभी कुछ देर का और हमें इंतजार करना पड़ेगा कि किसानों के पक्ष से कितने लोग घायल हुए हैं, स्थानीय लोगों की तरफ से कितने लोग घायल हुए हैं। घायलों को तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, SHO अलीपुर जिनके हाथों में तलवार लगा था और हथेली से खून बह रहा था, यानी बिल्कुल उनकी कटी हुई थी, और साथ ही साथ एक प्रदर्शनकारी किसान जिस पर आरोप है कि उसने तलवार चलाया वो भी घायल हुआ है। तो यहाँ पर स्थिति फिलहाल संतोष की बात यह है कि एक बार फिर काबू में आ गई है पुलिस के, लेकिन पिछले 2 महीने से जो आंदोलन किसानों का कम से कम सिंगू बॉर्डर पर शांति चल रहा था वो स्थानीय लोगों के प्रदर्शन के बाद टकराव और हिंसा में बदल गया। शोभना, सवाल यही उठता है कि स्थानीय लोगों को प्रदर्शन जो आने दिया पुलिस ने, क्या इसकी जिम्मेदारी तय होगी? SHO अलीपुर अगर घायल हुए हैं वो जिम्मेदारी किसकी है? जी शोभना, जी शोभना, बिल्कुल जैनेन्द्र। और बड़ी खबर इस समय की दर्शकों को एक बार हम फिर बता दें, सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय नागरिक और किसानों के बीच हिंसक झड़प हुई है। पुलिस ने बहुत मुश्किल से काबू किया है स्थिति को, जो स्थानीय नागरिक है उनको भी वहां से हटाया गया है, और जो किसान नेता हैं जो वो भी अपने नागरिक किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये झड़प बेहद हिंसक थी। हमारे सहयोगी जैनेन्द्र वहां से हमें लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, और हम आपको बता दें कि स्थानीय नागरिक इस बात का विरोध कर रहे हैं कि किसान आंदोलन की वजह से उनको आवाजाही में दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, जहां उनको 10 मिनट में पहुंचना होता है वहां वो 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। लेकिन पुलिस की भूमिका पर भी सवाल जरूर खड़े होते हैं कि स्थानीय नागरिकों को आखिर किसान आंदोलन की जगह तक पहुंचने की इजाजत कैसे मिल गई, वो वहां तक कैसे पहुंच गए और इस तरीके की हिंसक झड़प हो गई। तो 3 तस्वीरें
आपके सामने। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस छोड़नी पड़ी और पत्थरबाजी दोनों ही तरफ से, किसानों की तरफ से भी और स्थानीय नागरिकों की तरफ से भी एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी की गई। तो सिंघू बॉर्डर पर बेहद चिंताजनक तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हमारे सहयोगी जैनेन्द्र हमें बता रहे हैं कि पुलिस ने स्थिति को काबू में कर लिया है, जो स्थानीय नागरिक है वो भी पीछे हट गए और किसानों को भी रोक लिया गया है। लेकिन ये नौबत आई क्यों, ये बड़ा सवाल पैदा होता है तब जब लगातार कई जगहों पर, कई बॉर्डर्स पर स्थानीय नागरिकों के द्वारा इस किसान आंदोलन का विरोध किया जा रहा है। कल तो कई गांव के पंचायत जो थे वो भी पहुंच गए थे, उनका भी यही कहना था कि अब जिस तरीके से तिरंगे का अपमान हुआ है, इस किसान आंदोलन को खत्म होना चाहिए। और ये जो तस्वीरें, चिंताजनक तस्वीरें एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं, ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहाँ पर पिछले 2 महीने से किसान धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आज वहां पर एक बड़ा गुट स्थानीय नागरिकों का पहुंच गया, विरोध का प्रदर्शन शुरू हुआ किसानों का। और जिस तरीके से स्थानीय नागरिक आमने सामने आए, पुलिस के लिए एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई और ये झड़प हिंसक हो गई। देखते ही देखते एक दूसरे के ऊपर पथराव किया गया। हमारे सहयोगी जैनेन्द्र ने अभी हमें बताया कि एक किसान बुरी तरह से घायल भी हुआ है और सिंघू बॉर्डर पर ऐसे चो अलीपुर के ऊपर तलवार से वार हुआ है, उनके हाथ पर यह तलवार से वार किया गया है। जिस समय ये झड़प बेहद हिंसक थी, एसएचओ अलीपुर ने रोकने की कोशिश की, उसके बाद भीड़ की तरफ से ये हमला एसएचओ अलीपुर के ऊपर और उनके हाथ पर तलवार से वार किया गया। तो आप समझ सकते हैं इस खबर को सुनकर कि ये जो झड़प थी ये कितनी हिंसक थी, किस तरीके से पुलिस ने इनको काबू किया होगा। और ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं स्थानीय नागरिक, और ये तलवार उठाए हुए व्यक्ति का हम आपको दिखा रहे हैं जिसने एसएचओ अलीपुर के ऊपर हमला किया है। और अब पुलिस ने इसको गिरफ्त में ले लिया और आप देखिए ये पुलिस के ऊपर भी रिटेलिएट कर रहा है, ये पुलिस के ऊपर उनको धक्का दे रहा है। और जब उसको पकड़ने की कोशिश, काबू में करने की कोशिश की जा रही है तो झटक रहा है पुलिस को एक तरफ। ये उस शख्स की तस्वीर है जिसके हाथ में वो तलवार थी जिससे कि एसएचओ अलीपुर के ऊपर हमला किया गया। पुलिस वहां पर अपनी ड्यूटी पर है और इस तरीके का हमला गंभीर है। गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं पुलिस की भूमिका पर भी कि स्थानीय लोग इतनी बड़ी संख्या में उस जगह तक कैसे पहुंच गए जहां पर कि किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। ऐसी नौबत क्यों पैदा हो गई कि स्थानीय नागरिक और किसानों के बीच पथराव की स्थिति पैदा हो गई। तो ये वो शख्स जिसने एसएचओ अलीपुर के ऊपर तलवार से हमला किया, तलवार इसके हाथ में आप देख सकते हैं। ये एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, ये सीधी तस्वीरें हम आपको सिंघू बॉर्डर से दिखा रहे हैं जहां पर पिछले 2 महीने से किसान संगठन का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन 26 जनवरी को जिस तरीके से ये प्रदर्शन हिंसक हुआ उसके बाद से स्थानीय नागरिक बेहद नाराज हैं किसान संगठनों से, किसान नेताओं से। उनका यही कहना है कि आवाजाही में बहुत दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक जैम हो रहा है। और जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया गया लाल किले पर, उसके बाद अब ये किसान आंदोलन खत्म होना चाहिए। तो ये वो शख्स की तस्वीर जिसने वर्दीधारी के ऊपर हमला बोला। जैनेन्द्र, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अब इस समय क्या स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है, काबू में है स्थिति? जी बिल्कुल शोभना, स्थिति अभी हम काबू में कह सकते हैं क्योंकि स्थानीय लोग जो प्रदर्शन करने आए उन्होंने खदेड़ दिया है पीछे। एसएचओ अलीपुर जिस बारे में मैंने आपको बताया, तलवार से उन पर हमला किया गया, तलवार को रोकने की कोशिश में उनका हाथ या हथेली जो है उनको काफी नुकसान पहुंचा है, काफी बड़ा घाव उनकी हथेली पर काफी बड़ा कट लगा है, खून बह रहा है। लेकिन वो लगातार उनको जो उनके रिश्ते हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हट जाइए, लेकिन उन्होंने अपनी हथेली में रुमाल बांध दिया है और वो स्थिति को काबू में करने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति 10-15 मिनट की उत्पन्न हुई थी, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, पथराव शुरू हो गया था, आंसू गैस के गोले चल रहे थे, वैसी स्थिति अभी नहीं है, स्थिति अभी काबू में हम कह सकते हैं। लेकिन अब पुलिस जायजा ले रही है कि कितने लोग घायल हुए हैं और ये बड़ी बात है शोभना कि वो पुलिस वाले जो खुद घायल हुए हैं वो भी खुद अस्पताल ही जा रहे हैं, बल्कि वो किसानों के कैंप में जा रहे हैं ये पता करने के लिए कि शायद किसानों की तरफ से कोई घायल तो नहीं हुआ है, अगर घायल हुआ है तो उसे अस्पताल ले जाया सके, जिन पुलिस वालों को चोट लगी है। आंखों के सामने मैं देख रहा हूँ कि खून बह रहा है, लेकिन बावजूद इसके वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन शायद इसमें कहीं ना कहीं देरी हुई, अगर स्थानीय लोग जो प्रदर्शन करके आए थे उन्हें कुछ पहले ही रोक दिया जाता, क्योंकि पुलिस को ये समझना चाहिए कि अगर तो विरोधी पक्ष सामने सामने आएंगे तो टकराव होगा, स्थिति हिंसक होगी और मामला बहुत बिगड़ सकता है। जाहिर सी बात है उसमें देरी जरूर हुई, उसमें चूक जरूर हुई, ये
चूक जानबूझकर हुई, जांच के हिसाब से अनजाने में हुई, जांच का विषय है, जांच होनी भी चाहिए, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो काबू में है और पुलिस ने स्थानीय लोगों को खदेड़ दिया है जो यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे थे और खुद पुलिस जो है वो नुकसान आदि का जायजा ले रही है, तो घायल लोग हैं उन्हें अस्पताल पहुंचा रही है और अंतिम अवस्था लौटे इसके लिए जो है वो फिलहाल किसानों के कैंप के पास में पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है और समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है प्रदर्शनकारी किसानों को। और इसके अलावा टकराव के दौरान जो बैरिकेड आदि इधर से उधर हुए, बैरिकेड आदि टूटे और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं कि प्रदर्शनकारी स्थानीय लोग जब पहुंचे तो उन्होंने पुलिस के टेंट पर हमला कर दिया। दरअसल जहां पर किसानों का टेंट है उसके ठीक बगल में पुलिस ने भी अपना एक टेंट लगाया हुआ है, लोगों को लगा कि ये किसानों का टेंट है और स्थानीय लोगों ने पुलिस के टेंट पर हमला कर दिया, चीजें तितर बितर कर दी, तो उन चीजों को भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है और स्थिति को वापस काबू में करने के बाद शांति बहाली हो उसकी कोशिश की जा रही है। पुलिस और ज्यादा संख्या में पुलिस जो है पहुंच रही है, सुरेंद्र यादव आईपीएस बड़े अधिकारी यहां पर जो है वो पहुंचने शुरू हुए हैं और वो चीजों के बारे में पता कर रहे हैं कि क्या हुआ कैसे। बैरिकेड जैसा मैंने आपको बताया बैरिकेड आदि गिर गए थे, गिर गया था इस संघर्ष में, तो उसको फिर वापस अपनी जगह पर लगा रही है और कुल मिलाकर के एक बार फिर पहले जैसी स्थिति बनाने की कोशिश कर रही है। सिंधु बॉर्डर पर जहां पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब बंद लगा हुआ है वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल इस वक्त मौजूद है और पुलिस जो है वो वापस अपने मोर्चों को कर रही है और अंदर किसान संगठनों के कैंप में जाकर के बातचीत कर रही है, पूछ रही है कि अगर कोई घायल तो नहीं हुआ, कोई नुकसान तो नहीं हुआ और स्थिति को जो है वो पूरी तरीके से पहले की तरह बनाने की कोशिश पुलिस जो है वो करती हुई नजर आ रही है। सोचा बिल्कुल जैनेन्द्र, तीन तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं और बहुत चिंताजनक भी हैं ये तस्वीरें जो सिंघू बॉर्डर से लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, स्थानीय नागरिक वर्सेस किसान, जहां पर ये सिंघू बॉर्डर पर किसान धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं वहां पर एक गुट स्थानीय नागरिकों का पहुंच गया, आपस में धक्कम धुक्का हुई और पथराव भी किया गया एक दूसरे के ऊपर, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसमें SHO अलीपुर घायल भी हुए हैं, उनके ऊपर तलवार से वार किया, वो तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे कि कैसे ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये हाथ में तलवार लेकर अपना आपा खोते हैं। ऐसे ही 26 जनवरी पे भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी और अब एक बार ये जो हिंसक झड़प सामने आई है सिंघू बॉर्डर से, चिंताजनक तस्वीरें। हालांकि जैनेन्द्र हमें बता रहे हैं कि अब स्थिति पर काबू पा लिया गया है, स्थानीय जो नागरिक है जिनकी ओर से यह हमला बोला गया था उनको पीछे धकेल दिया गया है, जो किसान घायल हुए हैं उनको अस्पताल ले जाया गया है। जैनेन्द्र, मैं आपसे यह समझना चाहूंगी कि अब क्या चारों तरफ जहां पर यह किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर बैरिकेटिंग कर दी गई है, पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत और किया गया है? दो महीने से ये जो पूरा इलाका है वो छावनी ही बना हुआ है, बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान 24 घंटे यहाँ पर मौजूद रहते हैं। छावनी में पूरा इलाका है, कई लेयर की बैरिकेड है, जिस जगह पर मंच बना हुआ है वहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा रहती है। बावजूद इसके सब कुछ को खता बताते हुए स्थानीय प्रदर्शनकारी बिल्कुल मंच के पास पहुँच गए थे और अब जब मैं रिपोर्ट करते हुए किसानों के कैंप की तरफ आया हूँ तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों को चोट लगी है। एक बुजुर्ग मेरे साथ है, उसके पैर से खून निकल रहा है, आपको चोट लगी, क्या नाम है आपका? दर्शन सिंह। दर्शन सिंह कहाँ से, कहाँ के रहने वाले आप? तरन तरन से। कैसे लगी आपको ये चोट? मैं पत्थर से रहा हूँ, अपने लंगर से खड़े हैं। आप लंगर पर काम कर रहे हैं? लंगर में काम कर रहा हूँ। आपने चलाया उन लोगों ने? भी चलाए ना, इधर इधर दूर व्यक्ति तलवार लेकर के आगे लगता, उसका नाम क्या था? सॉरी माफ करिए, जो किसान है और मैं देख भी पा रहा हूँ जहाँ पर लंगर की तैयारी चल रही थी वहाँ पर जो है वो वहाँ पर भी उपद्रव किया गया है, कई जो बोरियां हैं वो भी फेंक दी हैं और एक बुजुर्ग है तरन तारण के, उनके पैर से खून बह रहा है, उनका कहना है कि जो पत्थर सामने से चला वो पत्थर से चोट लगी है और पत्थरबाजी दोनों तरफ से भी शुरुआत किसने की, ऐसे स्थिति में कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। किसानों का कहना है कि पत्थरबाजी की शुरुआत है किसानों की तरफ से की गई, हालांकि उसका जवाब भी दिया गया और फिलहाल जो है वो एक बार फिर जहाँ किसान एक तरफ अपने कैंप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ लंगर की तैयारी चल रही थी, लंगर को लेकर के सब्जियां आदि काटने की तैयारी चल रही थी, वहां पर काफी हंगामा किया, बोरिया लिखी को ठीक किया जा रहा है और पुलिस जो है वो एक बार फिर जो बैंक लगे हुए थे उनको वापस अपनी जगह पर लगा रही है ताकि स्थिति एक बार फिर खराब ना हो। हालांकि अब इसकी संभावना जो है कम है कि
दोबारा से स्थिति खराब होगी, क्योंकि जो लोग पहुंचे थे उन्हें पकड़ दिया गया है। इस दौरान जो सिंघो बॉर्डर पर पंजाब का जैनेन्द्र, मैं एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि पुलिस ने पहले स्थिति को नियंत्रण में कर लिया था, स्थानीय लोगों को पीछे धकेल दिया गया था, लेकिन एक बार ये झड़प फिर से शुरू हो चुकी है। पुलिस हालांकि बचाव करती हुई दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी जैनेन्द्र वहां पर मौजूद है, वेरीफाई कर लेते हैं। जैनेन्द्र, ये जो तस्वीरें इस समय हमें मिल रही है, क्या जो पूरी स्थिति है उसको काबू में कर लिया गया है पुलिस की तरफ से? फिलहाल वहां पर स्थिति शांतिजनक है? देखिए, टकराव नहीं हो रहा है, शांति यहाँ नहीं है सोचा, लेकिन टकराव नहीं हो रहा है, क्योंकि जो दो पक्ष आमने सामने आ गए थे उसमें से एक पक्ष यानी स्थानीय लोगों को पुलिस ने खदेड़ दिया है। तब जब दोनों पक्षों में पत्थरबाजी शुरू हो गई, पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले चलाए और फिर लाठियां बांधी, और इसके बाद जो स्थानीय प्रदर्शनकारी थे वो उल्टा हो भागे। तो जो स्थानीय प्रदर्शनकारी थे वो काफी दूर जा चुके हैं किसानों के कैंप से, तो फिलहाल कोई टकराव नहीं हो रहा है, फिलहाल कोई हिंसा नहीं हो रही है। लेकिन शांति शायद स्थिति को लौटने में वक्त लगेगा, और सबसे बड़ी बात जो विश्वास होती है, विश्वास बहाली में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों के भरोसे ये किसान भी यहाँ पर है, और इन किसानों से बाकी कोई उपद्रव ना, उसके लिए भी सुरक्षा कर्मी है। लेकिन अगर आप खुद सोचिए, सोचना कि बाहर से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए किसानों के कैंप तक पहुंचाए तो जिम्मेदारी किसकी है? तो सारी सी बात है, किसानों का भी विश्वास जो है वो होगा सुरक्षा कर्मियों पर, वो विश्वास बहाली करने की कोशिश बड़े अधिकारी शुरू कर रहे हैं, वो किसानों के कैंप में गए हैं, जायजा ले रहे हैं। फिलहाल जो आप कह रही थी, मुझे दूर दूर कोई टकराव नजर नहीं आ रहा है, हो सकता है कि पहले का विजुअल आपको मिल रहा हो, कोई टकराव नहीं हो रहा है, लेकिन जो स्थानीय लोग थे वो दूरी पर नारेबाजी। बिल्कुल ठीक है जैनेन्द्र, ये अपडेट इस समय का मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। सिंघू बॉर्डर पर स्थिति पर काबू पा लिया गया है पुलिस की तरफ से, स्थानीय नागरिकों को वहां से हटा दिया गया है। जो आला अधिकारी हैं वो किसानों से बात कर हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तनाव वहां पर बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी झड़प हिंसक हो गई, स्थानीय नागरिक वर्सेस किसान, एक दूसरे के ऊपर पथराव किया गया, पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन फिलहाल जो अपडेट हमारे सहयोगी जैनेन्द्र हमें दे रहे हैं, वहां पर अब किसी भी तरीके की कोई झड़प नहीं है, पुलिस ने पूरी तरह से स्थिति पर काबू पा लिया है, तनाव हालांकि बना हुआ है, और अब किसान नेताओं से, किसानों से लगातार पुलिस बात कर मामला शांत करने की कोशिश कर रही है। जैनेन्द्र, जैसा कि बार बार आप कह रहे हैं, पुलिस की भूमिका पर सवाल देखिए इस समय, हालांकि पुलिस बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन सवाल जरूर खड़े होंगे कि ऐसा कैसे हो गया कि इतनी बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उस जगह तक पहुंच गए जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं या धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, तब जब लगातार स्थानीय नागरिकों के द्वारा, गांव के कई प्रधानों के द्वारा विरोध किया जा रहा है किसानों का। बिल्कुल शोभना, स्थिति यहाँ पर पिछले दो महीने से गंभीर है, दो महीने से यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के किसान जमे हुए हैं, और स्थिति बिगड़ने के लिए कोई ब्योता देकर के जो है वो स्थिति को नहीं बिगाड़ेगा। जाहिर सी बात है, पुलिस को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। मैं सुबह से देख रहा था जहाँ मीडिया की गाड़ी पानी के टैंकर किसानों के कैंप से 2 किलोमीटर पहले रोक दिए सुरक्षा कर्मियों ने, वही जो स्थानीय लोग प्रदर्शन करने पहुंचे थे, जिन्हें उपद्रवी कहना भी गलत नहीं होगा, उनको न सिर्फ आने दिया गया नारेबाजी करते हुए, बल्कि कई स्थानीय लोग तो लाठियां लेकर के पुलिस के साथ दब्बे लड़ा रहे थे। कई घंटों से हमारी आंखों के सामने हम देख रहे थे कि स्थानीय लोग लाठियां लेकर के पुलिस वाले के साथ दब्बे लड़ा रहे हैं, और हैरानी वाली बात है कि लाठी के साथ एक ऐसी जगह पर जहां आंदोलन चल रहा है, पुलिस अलाउ कैसे कर सकती है किसी सिविलियन को, लेकिन ये सब कुछ चल रहा था। और इस पूरे, और जब बड़ी संख्या हुई स्थानीय लोगों की, इसके बाद उन लोगों ने दलबल के साथ नारेबाजी करते हुए किसानों के कैंप पर एक तरीके से धावा बोल दिया, और फिर बिगड़ी, पत्थरबाजी शुरू हुई, तलवार से भी हमले हुए, जैसा कि एक और उसमें घायल एक एसएचओई हुए, एसएचओ लेवल के अधिकारी जो है वो घायल हुए हैं, उनका हाथ जो है हथेली, उनकी कटी भी मैंने अपनी आंखों से देखी है। इसके बाद पुलिस ने जब देखा कि स्थिति हाथ से निकल रही है, इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया, और शायद उन्हीं लोगों ने लाठियां चलाई जिन लोगों के साथ पुलिस 2 घंटे पहले चाय पीते हुए सब लड़ा रही थी। बाइक के पास मैं चश्मदीद दूं, यहाँ पर मैं सुबह से खड़ा हूँ, मेरी नजर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुरक्षा कर्मियों की बनती है, पुलिस की बनती है, कि आखिर ये नौबत आई क्यों? आप अगर मीडिया की गाड़ी रोक देते हैं, मीडिया वालों को लाइन खाकर के अंदर आना पड़ता है, तो ये नियम स्थानीय लोगों पर लागू क्यों नहीं होता? जबकि आप देख रहे हैं कि उनके हाथों में, उनके हाथों में लाठियां है, आप देख रहे हैं नारेबाजी कर रहे हैं, स्थिति बिगड़ सकती है, बावजूद इसके ये सब कुछ होने दिया गया, और
जब स्थिति खराब जी बिल्कुल ठीक है जैनेन्द्र, आप नजर बना के रखिए। ABP News आपको रखे आगे।